भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार को सरकार मत मानिए, इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, मैं खुद, डिंपल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूजियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ, उसके बाद म्यूजियम भी देखने जाऊंगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूजियम म्यूजियम बन गया है, मतलब म्यूजियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं शुरू नहीं हो पाया, म्यूजियम की और बनाना पड़ गया, संग्रहालय ही संग्रहालय बन गया। मंडी में जितना काम हम लोगों ने किया उसी को उतना ही उलझा के रखा और जो आवंटन भी किया उन्होंने अपने ही पार्टी के संगठन के लोगों से पूछ के कर दिया। अच्छा, कोई संगठन से पूछ के करता है? मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए, ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हो। मैंने देखा उसकी होर्डिंग अभी, इसीलिए मेरा मन किया कि जो संग्रहालय मैंने बनाया वो कहीं संग्रहालय तो नहीं बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं जरूर देखने जा रहा हूँ उसको। तो जोशी मठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और जमीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहां के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। अगर उत्तर प्रदेश में जहां गलत काम हो रहे हैं आप अगर परत उठाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं, आप खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने के लिए कल बीजेपी का, देखिए ये कन्नौज की तो छोटी खनन है, हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पर आती होंगी, वीडियो समय समय पर आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है? मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीजें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो उसको क्या सुधारेंगे? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे? जब म्यूजियम को म्यूजियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े ये कब चालू होंगे? संचालित करेंगे।